क्या है आपका फेथ के बारे में, आपके विश्वास के बारे में? What about your hope?
आशा के बारे How is having your life? कैसे वो आपका हो गए इनकी आकाशा है You want to believe in Jesus. हाँ परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए you believe in Jesus, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं that can do the miracle in your life. परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम को करेगा that can change your life. परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकते हैं What are the situation problem you're facing in your life? कुछ भी आप सामना करें आपकी जिंदगी में that can change everything. परमेश्वर उसको बदल सकता है With your feeling, how can God can do the miracle in your life? और विश्वास बिना कैसे परमेश्वर आपके जीवन में अच्छे काम करेगा He want to be more faith. और परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में अधिक विश्वास होना चाहिए Then you have the faith in your life. जब आप विश्वास अपने मन में रखते हैं you can grow in your spiritual life. आप अपने आत्मिक बातों में आपकी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं Every day we are growing. हर दिन हम बढ़ते जाना है Our children are growing. बच्चे लोग तो बढ़ते जा रहे We are growing. हम लोग भी बढ़ते जा रहे हैं Our days are moving. और वो लोग भी दिन भी पार होते जा रहा है हमारा उम्र भी बढ़ते जा रहा है Everything is going. हर एक चीज भी बढ़ते जाता है लेकिन आपके विश्वास कहाँ है How it is growing. आपके विश्वास बढ़ रहा है How your spiritual life is growing. क्या आपका आत्मिक जीवन बढ़ रहा है How your spiritual life is not growing. क्या आपके विश्वास बढ़ नहीं रहा है If your spiritual life is not growing. यदि आपके विश्वास बढ़ नहीं रहा है There is no spiritual of God in your life. परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में नहीं है the Holy Spirit in your life. आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है you want to receive the Holy Spirit in your life. आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा प्राप्त करने की जरूरत है receive the Holy Spirit in your life. जब आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे your prayer life will be changed. आपकी प्रार्थना की जीवन बदल जाएगा your Bible meditation will be changed. आपको बाइबल पढ़ने अध्ययन करने के बाद बदल जाएगी your life will be changed. आपके जीवन बदल जाएगी your spiritual growth will grow. जीवन भी बढ़ते जाएगा The Holy Spirit want to be with your people. पवित्र आत्मा आपके साथ रहने चाहता But है What happening? देखिएगा क्या हो रहा है The Matthew chapter 6, जब हम मत्ती किताब में पढ़ते हैं छठवां अध्याय 24 says, वहां पे छठवां अध्याय के 24 वचन को पढ़ते हैं No man can serve for the two masters. Either you will be hate one and love the other, or you will be devoted to the one or depressed to the other. You cannot serve for the God and the money. कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते परमेश्वर का वचन इस प्रकार दिखाता है यू कैन सर्व फॉर द टू मास्टर्स दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते व्हाट हैपनिंग लेकिन क्या होता है एवरी संडे यू आर कमिंग टू द चर्च हर रविवार आप यहां आते हैं यू आर प्रेइंग टू द गॉड आप जरूर प्रार्थना भी करते हैं सिंग ए गुड सॉन्ग्स टू द गॉड आप जरूर तो अच्छे सेवक को देखे होंगे यू आर हियरिंग द गुड वर्ड्स फ्रॉम द गॉड आप परमेश्वर के वचन को भी अच्छे से सुनते होंगे संडे सर्विस इज फिनिश और रविवार की आराधना खत्म हो गया यू गेट बैक टू द होम घर चले जाते हैं लेकिन वहां आपकी जिंदगी कैसा है आप परमेश्वर के भवन में आते हैं You are filled with the presence of the God. जब परमेश्वर के आत्मा में भर जाते हैं go to the church. जब आप यहां से जाते हैं How is your life? आपका जिंदगी कैसा है How is your spiritual life? कैसा रहा आपके आत्मिक जीवन You cannot live for the two masters. आप दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते ये आप परमेश्वर के लिए चाहिए ये परमेश्वर के लिए चाहिए ये फॉर द गॉड आप परमेश्वर के लिए जिए इनसाइड ऑफ द चर्च भवन भवन के अंदर भी इनसाइड ऑफ द चर्च और भवन के बाहर भी इनसाइड ऑफ योर होम और घर के अंदर भी आउटसाइड ऑफ द होम घर के बाहर भी लिव फॉर द जीसस और यीशु के लिए जिए डू नॉट एक्ट इन फ्रंट ऑफ द गॉड और परमेश्वर के सामने नाटक ना करें एवरी हीरोस एंड हीरोइंस इन द फील्ड दे आर एक्टिंग और हर जगह हम देखते हैं तो लोग इधर उधर करके नाटक करते हैं ब्यूटीफुली दे आर एक्टिंग और समझते हैं कि हम नाटक कर रहे हैं वी आर सो एक्टिंग हम लोग भी कभी कभी नाटक कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द गॉड और परमेश्वर के सामने इन द चर्च और भवन के अंदर हम लोग अच्छा आराधना करते हैं हम लोग प्रार्थना करते हैं एवरीथिंग इज देयर और सब कुछ होता है आउटसाइड ऑफ द चर्च लेकिन भवन से बाहर हाउ इज योर लाइफ हमारा जिंदगी कैसा है वी नो वन थिंग आपको मालूम है क्या योर बॉडी इज अ टेंपल ऑफ द गॉड हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है योर बॉडी इज अ टेंपल ऑफ द गॉड आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है योर बॉडी शुड बी होली आपका शरीर पवित्र होना चाहिए गॉड इज वाचिंग यू
परमेश्वर आपको देख रहा है. You cannot hide anything from another God. परमेश्वर से कुछ छिप नहीं सकते हैं. He can see everything what you are doing. अब परमेश्वर हर चीज को देखता है, क्या कर रहे हैं. Now what you are thinking, God knows. अभी आप क्या सोच रहे हैं वो भी वो जानता है. Now what you are seeing, God knows. और अभी आप क्या कर रहे हैं वो भी वो जानता है. Now what you are seeing, God knows. जिस चीज को देख रहे हैं वो आपके उसको भी वो जानता है. Now what inside of your heart, God knows. आपके हृदय के अंदर क्या है वो भी वो जानता है. God knows everything. परमेश्वर जानता है आपके सब कुछ. Because he is the creator. क्योंकि वो हमारा सृजनहार है. He created you and me. वो आपको हर एक को बनाया है. He knows about your life. वो आपकी जिंदगी को जानता है. Do not do the same things in your life. कभी भी आप जिंदगी में पाप ना करें. When you be in the God, जब आप परमेश्वर के साथ रहते हैं, be in the God, आप परमेश्वर के साथ ही रहें, give the life to the God, और अपने जिंदगी को परमेश्वर के लिए दे दे, give the life to the God, आप परमेश्वर के लिए दे दे, when you serve for the God, जब परमेश्वर की सेवा करते हैं, serve for the God, आप परमेश्वर की ही सेवा करें. That's the only one thing you want to do. वही है हम करने वाली बात है. Do not live a true life. हम लोग दो जिंदगी नहीं कर सकते हैं. If you live for the God, live for the God. यदि आप परमेश्वर के साथ रहते हैं तो परमेश्वर के साथ रहे. When you live for the God, जब परमेश्वर के साथ रहते हैं, that is the true Christian life. वही सच्चा मसीह जिंदगी. That is the right Christian life. वही सच्चा मसीह जिंदगी.